नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विशेष और आज हमारे बीच है छत्तीसगढ़ फिल्मों के भीष्म पितामह मोहन सुंदरानी जी मोहन सुंदरानी जी से आज जानेंगे उनके इस जीवन यात्रा के बारे में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके आज छालीवुड फिल्मों के निर्माता निर्देशक बन गए हैं तो आइए हम उनसे बात करते हैं मोहन सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पर जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद आर जे टी चैनल को बड़ा आनंद आया आज हमारे जो आज आप लोग आए हो बहुत अच्छा लग रहा है सब छत्तीसगढ़ महातारी की कृपा से आपको पहले मैं जानकारी दूँ मुझे कई लैंग्वेज आती है मगर पूरी लैंग्वेज मुझे कोई आती नहीं है न ही मुझे बोलना आता है छत्तीसगढ़ी भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ भोजपुरी भी जानता हूँ मराठी भी जानता हूँ क्योंकि मेरी आज 11 साल की उम्र से हर जाति हर भाषा से मेरा संबंध पड़ा इंग्लिश भी जानता हूँ मगर कुछ न इंग्लिश बोल सकता हूँ ना मैं हिंदी बोल सकता हूँ ना मैं छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ सब मिक्स हो जाता है क्योंकि कई किस्म के कलाकार आते सबसे बात करते करते ऐसा हो जाता है सर फिल्मों की बात करने से पहले हम आपके बचपनों की बात करना चाहेंगे किस प्रकार से आप बचपन में थे मैं आपको बचपने का बताऊं मैंने अपने लाइफ में वो दिन देखे हैं जो आज झुग्गी झोपड़ी रहने वाले भी अच्छे होंगे झुग्गी झोपड़ी में भी आज के ज़माने में देखता हूं टीवी यहाँ तक के झोपड़ियों में फ्रिज भी देखता हूँ मैं गाँवों में बहुत जाता हूँ मैंने अपने लाइफ में जो एक मकान में रहता था आप जानते हो बाँसों का टट्टा टाइप बनता है चारों तरफ वो बान रोल और वहीं पे किचन वहीं पे सब कुछ मैंने अपने लाइफ में वो देखा है मैंने अपने लाइफ में बचपने में वो देखा है कि अगर एक रुपए का तेल ला के सब्ज़ी बनाना है तो एक रुपए के लिए परेशानी हो जाती थी बहुत गरीब थे हम लोग यह ईश्वरी चमत्कार है जो आज यहाँ बैठा हूँ मैं और मामूली उस जमाने का एक रुपया और आज पाँच सौ रुपये मैं मानता हूँ एक रुपये के लिए बड़ी तकलीफ़ होती थी वो टाइम भी मैंने हंसी खुशी से बिताया यहाँ तक कि मैंने फुट पे डबल रोटी बिस्किट बेच के भी हम लोग परिवार चलाते थे मगर उस टाइम पे भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था पढ़ाई में कम ध्यान और कला में ज़्यादा जहाँ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था जहाँ खेल कूद का कार्यक्रम रहता था बरोबर जाता था पढ़ाई में मैं एक कमज़ोर था कमज़ोरी के अलावा क्योंकि एक पागलपन पर नशा था कला का और सपना था एक सपने भी साकार होते हैं अगर दिल और आत्मा से अगर सोचे तो सपने साकार होते यह मैं आपको जानकारी दूं कि सपना इंसान को देखना चाहिए सपना नहीं देखेगा तो वर्क नहीं कर पाएगा जीवन में कंपटीशन होनी चाहिए चाहे भाई बहन हो या रिश्तेदारों कंपटीशन नहीं रहेगी तो आगे नहीं पढ़ पाएगा जलेसी नहीं रोने होनी चाहिए जहाँ जलेसी दिखेगी वहाँ दिल जलता रहेगा जहाँ पे कंपटीशन की भावना रहेगी वहाँ पे आदमी आगे बढ़ेगा तो मैं बचपन से लेके जब स्कूल से लेके कॉलेज तक ड्रामे में एक ड्रामे मैं कहानियाँ सोचता था मैंने कभी ड्रामों में गया नहीं क्योंकि मैं एक डायरेक्टर के रूप में सोचता था कि इस सब्जेक्ट पे ड्रामा करना स्कूल में मुझे जहाँ ड्राइंग और ड्रामे की बात होती थी हमारे गुरुजी हमारे जो टीचर थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे मगर जहाँ पढ़ाई की बात होती थी तो मेरे माँ बाप से शिकायत करते थे वो दिन मुझे याद है वो दिन में मुझे सपना ज़रूर आते थे कि मैं फिल्म बनाऊँगा दस बारह साल की उम्र में तब सुपरस्टार हिंदुस्तान बॉलीवुड के थे राज कपूर जी शम्मी कपूर तब उनके मैं फिल्में घर से मैं कैसे भी करके गेट कीपर को पटा के अंदर जाता था पाँच रुपये पाँच पैसे दस पैसे दे के तब साठ पैसे टिकट थी पाँच पैसे दे के चाय वाय पिला के जाने का शौक़ था अपनी मजबूरी भी थी और फिल्म देखने का शौक भी रहता था वो टाइम से भी मैं तब मिलती थी कलाकारों की बुक मिलती थी बाज़ार में दस बीस पैसे की जिनमें एड्रेस लिखते लिखते थे वो कलाकारों के एड्रेस वग़ैरह तो पाँच पैसे का पोस्ट कार्ड में लिखता था कि मुझे फिल्म बनाना है एक पागलपन जो होता है ना पागलपन घर में पैसा आज आर्थिक स्थिति में खाने के लिए पैसा नहीं और सोच है लंबी कि बम्बई में फिल्म बनाऊँगा यह धीरे 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 करके मुझे शौक आया कि मैं एक छोटा सा स्टूडियो खोलूं जहां पे पाँच सात सौ रुपये किराया मिलेगा मैंने लोन लेके आज भी लोन मेरे को याद है वो तो क्लियर हो गया लोन कई साल हो गए लोन लेके रिश्तेदारों से मदद लेके मैंने एक छोटा सा स्टूडियो एक खोला मैंने स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था समझ में नहीं आता इसको कैसा करूं आइडियो इसको रिलीज कैसा करूं मैं जाता था आइडियो बना के जो पुराने थे कि इसको रिलीज करो जो देना है देना मत देना इसको रिलीज करो कलाकारों की तो कई जगहों मेरी आइडियो दो तीन जगह रिलीज हुई मगर जो मैंने खर्चा करता था मैं वो भी नहीं निकलता था फिर भी लगता था मैं अपने माँ बाप को समझाता था ये समझना कि तुम्हारा बेटा पैसा जुआ खेलता है कुछ भी करता है ऐसा करके मैं माफ़ी मांगता था आज मेरे पिताजी तो स्वर्गवास हो गए मगर उनके पीछे बता रहा हूँ सत्य बात आज तो कैसे भी कन्विस् करके माँ को ये करके मैं मैंने स्टूडियो चालू करके कई साल मैंने लॉस खाया कोई अफसोस नहीं था मेरे माँ बाप को भी जब भी मुझे जब भी मुझे पिता मुझे डांटते थे मैं पैरों पे गिर के बोलता था बाबा ये समझना कि तुम्हारा बेटा बदमाश है जुआ खेलता है ऐसा करके कन्विस् करके हंस हंस के मैं पटाता था माँ को पिता को धीरे धीरे करके मुझे कुछ ऐसी एक मिली सतनाम समाज की मेरे दिल में बचपने से बाबा जी पे आस्था थी मैं गिरोधपुरी भी जाता था तो मुझे एक ऐसा लगा सबसे सर्वप्रथम अगर सतनाम समाज की जो आइडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी जी। तो मुझे लगा बाबा जी की एक प्रचार की मैं कैसेट बनाता हूँ वो भी शौक़ के लिए कोई कमाने का तो मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं क्या कमा रहा हूँ क्या कमा रहा हूँ तो मैंने जब वो आइडियो निकाला मैंने बोला अब ये यहाँ के जो कंपनी वाले ले नहीं रहे मेरे से जी, जी। बोलते तो, तुम तुम समझता नहीं तो मैंने एक छोटी सी कंपनी खोला मेरे माँ के नाम से माया आइडियो कंपनी मेरी माँ का नाम माया देवी सुंदरानी था वो माया आइडियो कंपनी के रेपर वेपर मैंने कैसे भी स्क्रीन करा के और आइडियो जब बाज़ार में दिया लोगों ने काफ़ी पसंद किया मुझे मालूम है उस कैसेट पे मेरे पाँच सात सौ रुपये खर्च जरूर होगा हुआ होगा रिकॉर्डिंग करने में मगर मुझे उसमें अपनी इच्छा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसके बाद मैं लगातार सतनाम समाज की आइडियो कैसेट के साथ साथ आज सतनाम समाज को प्राथमिकता देते हुए वीडियो और सीढ़ियाँ काफ़ी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मैंने सीढ़ियाँ बना के पूरे प्रदेश में दी और सर छालीवुड चा, सर फिल्मों की बात करें तो अभी छालीवुड फिल्म कहाँ तक पहुँचे हैं और इसको मोहन सुंदरानी जी ने शालीवुड फिल्मों को उठाने के लिए किस प्रकार योगदान दिए है शालीवुड फिल्म मेरी तो शालीवुड सेलोलाइट की फिल्म पहली थी मैारू जी जिसमें मैंने अपने बजट के हिसाब से कम बजट में बनाई थी जो मुझे पहली फिल्म में यश मिला उसके बाद मैंने जय महामाया इस तरह से मैंने लगभग 20 फिल्में टॉकी जो मैं रिलीज़ किया हूँ बीस में से पाँच छः फिल्में जिन्होंने व्यवसाय अच्छा करके मुझे लाभ दिया बाकी फ़िल्में लोगों ने स्वीकार नहीं किया इसके लिए अभी हाल में मैंने तीन साल पहले एक पारिवारिक फ़िल्म आई लव यू रिलीज की थी मुझे काफ़ी यश मिला उसके बाद मैंने उसके यश के बाद आई लव यू टू का निर्माण किया उसमें भी मुझे अच्छा यश मिला लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि एक परिवार से जुड़ी कहानी थी अब जो मेरी फिल्म एक नई आ रही है मन कुरेशी अनिकिटी चौहान और बड़े स्टारों के साथ जो फ़िल्म आ रही है जिसको निर्देशन दिया है उत्तम तिवारी जी ने वह फिल्म मेरी रिलीज होने वाली थी यह कोरोना महामारी लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं कर पाया हूं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से यह फिल्म छत्तीसगढ़ वासियों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है मिस्टर मजनू मिस्टर मजनू हम लोग टाइटल रखते हैं एक लोगों को टॉकी तक लाने के लिए मगर मिस्टर मजनू में भी एक संदेश मेरी हर फिल्म में एक संदेश रहता है कहीं बेटी बचाओ का कहीं पे भाई बहन का इस फिल्म में भी एक संदेश है छुआछूत का एक छुआछूत जब समय आता है तो उनके हाथ का पानी नहीं पीते जब एक मृत्यु का समय आता है तो उनका खून भी उनका वापरने में छुआछूत नहीं मानते इसके ऊपर मैंने मिस्टर मजनू एक रोमांटिक लव स्टोरी सिंगल संगीत में फिल्म बनाया हूं जो मुझे उम्मीद है यहां के दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी सर जिस प्रकार से आधुनिकता का युग है तो जब पहले आप फिल्म बनाते रहे और अब वर्तमान में आप फिल्म बना रहे हो उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है शुरू शुरू में टेक्निक की कमी थी हमको हर शूटिंग से लेके टेक्नीशियन मुंबई से बुलाना पड़ता था कैमरे से लेके जो भी वर्कर लगते थे स्पॉट बॉय से लेके सब मुंबई से बुलाना पड़ता था क्योंकि उनको अनुभव का था तो आज की पोशन में उन्हीं से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हर टेक्नीशन कैमरामैन से लेके डायरेक्शन तक यहाँ के लोग यहाँ के हमारे भाई लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हमें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है एडिटिंग के लिए भी मुंबई जाओ तब रील आते थे एडिटिंग में ये वो खर्च भी बम्बई में बहुत होता आजकल डिजिटल आने के साथ एक फैसिलिटी मिल गई जो रायपुर में ही पूरा काम छत्तीसगढ़ में ही पूरा काम होता है यहाँ तक कि फाइट मास्टर से ले नृत्य निर्देशन तक छत्तीसगढ़ में ही हमें मिल जाता है मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं मुंबई सिर्फ जाते हैं सेंसर्ड कराने जो भविष्य में लगता है सेंसर्ड भी छत्तीसगढ़ में होने की संभावना लगती है तो इसीलिए आसानी होती है फ़िल्म बनाने में और फिल्म क्या चलेगी कैसे चलेगी दुनिया में किसी को भी भगवान ने दिमाग दिया नहीं कितनी भी पूजाएं पाठ करोगे कितने भी मन्नतें मानोगे भगवान सुनता नहीं है भगवान आवाज़ आती है कि आपने फिल्म बनाई है जनता के लिए पब्लिक के लिए उनके उनसे उनको खुश करो आपकी फ़िल्म निश्चित रूप से चलेगी आज मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ हमारे दर्शकों को जो जिसपे आशीर्वाद मिल जाए वैसे सर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति लोक विधाओं की अगर बात करें तो इसके बारे में आपका क्या विचार है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति लोक पहनावा लोक जिस फिल्म में रहेगा निश्चित रूप से वह फिल्म चलेगी अगर यहाँ का निर्माता बॉलीवुड की तरह ड्रेसेस कपड़े और स्टाइल पे करेगा वह फिल्में न चलेगी नहीं चलेगी उसका उदाहरण यही है अगर ऐसे ही देखना है उनको बॉलीवुड टाइप तो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में आती है वह देखेंगे उस लेवल की यहाँ बनाना भी संभव नहीं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे वह छत्तीसगढ़ के दर्शक देखना चाहते अपना पहनावा अपना खान पान उसी फ़िल्म को छत्तीसगढ़ वासी एक्सेप्ट करते हैं उसी वजह से छत्तीसगढ़ी फिल्मों का मार्केट बनेगा अगर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के दिमाग में बॉलीवुड और मद्रास साउथ की फिल्मों से टक्कर लेना है तो असंभव है वहाँ के टेक्नीशियन और वहाँ के अलग ही होता है मगर चाहता है प्रोड्यूसर कि मैं बॉलीवुड और मद्रास लेवल की फिल्म बनाऊं तो यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसी फिल्में देखना है तो फिर वो साउथ की फिल्में देखेंगे बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में ध्यान देगा जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर निश्चित रूप से चलेगी खान पान से लेके पहनावा तक शब्दों में हिंदी शब्द नहीं आना चाहिए चाहे डॉक्टर हो चाहे कोर्ट हो वहाँ पे छत्तीसगढ़ी में लैंग्वेज जो यूज करेगा वो फिल्म चलेगी सर आप तमाम संघर्ष के बाद आज छालीवुड फिल्मों के भीष्म पितामा कहलाते हैं तो सर आप सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में क्या आपका क्या विचार है यह सबके लिए सोचने की बात है बोलेंगे मोहन मोहन को तो ऐसा भी छत्तीसगढ़ पागल के रूप में जानता है मुझे मालूम है कोई पागल कोई दीवाना कोई 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 परदेसिया भी बोल देते हैं मगर मैंने मेरे बाप दादाओं से छत्तीसगढ़ आज यहाँ पे हम लोगों ने किया तो लोगों को यही लगता है मगर मैं आपको सच बता दूँ मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता कोई भी पागल बोले दीवाना बोले कुछ भी बोले मोहन को मुझे कुछ भी फील नहीं होता है मगर मैंने यह माटी का कर्ज और माँ मा की छत्तीसगढ़ माँ की मुझ पे इतनी आशीर्वाद है जो मैं मेरे पीढ़ियाँ भी कर्ज नहीं उतार पाएगी जहाँ तक कि व्यवसाय की बात है मुझे कहते हैं कि मोहन सुंदरानी व्यवसायिक है निश्चित रूप से मैं व्यवसायिक हूँ यह बोलने में सुनने में मुझे बुरा नहीं लगता है व्यवसाय नहीं करूँगा तो मैं अपना परिवार अपने बच्चे अपने पोते उनको पढ़ाना लिखाना कहाँ से करूँगा कौन देगा मुझे व्यवसाय भी मेरे आज मेरे अपने बेटे मेरे भाई अलग अलग व्यवसाय है किनका गोदरेज का एजेंसी है किनका अलग अलग व्यवसाय करके वह परिवार चलाते हैं और मुझे भी ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ मैं कि कला क्षेत्र में मुझे इनकम नहीं होती वहाँ से भी इनकम होती है इनकम कैसे होती है मैं तो खुद कभी जान भी नहीं पाया कैसा इनकम होती है आज की पोशन में भी मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं कर क्या रहा हूँ मैं करते जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ मुझे मेरी अपनी कमाई से मुझे जो मेरे हिस्से में आता है मैं आज भी सिक्सटी परसेंट अपनी आय की जो गरीब वर्ग जो असहायक जिन्हें परेशानी है उन्हें हेल्प करने में पीछे कभी नहीं हटता मगर ऐसा नहीं कि कोई बोले मैं जा रहा हूँ पिकनिक मनाने मैं जा रहा हूँ ये मुझे पाँच हजार चाहिए हरगिज नहीं दूंगा मगर और मुझे अगर उसमें लगेगी परेशानी किसकी की कि इसकी माँ बीमार है या खुद परेशान है मैं निश्चित रूप से उसे मैं मदद करते आ रहा हूँ अपनी आय से आज भी मेरी बहत्तर साल की उम्र है आज भी युवाओं का वर्क करता हूँ यकीन किसी को नहीं आएगा चौबीस घंटे में मुश्किल से दो घंटे सोता हूँ यह मैं आज अपनी गद्दी पे कसम खा के बता रहा हूँ वो दो घंटे भी दो गोली नींद की लेके सोता हूँ ताकि नींद आ जाए फिर सुबह एकदम ऐसा लगता है जल्दी उठूँ नहाँ पूजा करूँ अपने व्यवसाय में जाऊँ सर आप फिल्मों की निर्माण की बात करें तो आपकी जो ऑफिस है जहाँ फिल्म प्रोडक्शन होता है का कार्य होता है तो किस प्रकार से होता है इनके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए फिल्म प्रोडक्शन का पूरा कार्य मेरी टीम करती है जिसमें मेरे लगभग 40 वर्कर हैं हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट वर्कर को दिया हुआ है कि आप फिल्म के पोस्टर की डिजाइन बनाओगे आप ये शूटिंग करोगे या ये गाना रिकॉर्डिंग करोगे ये संगीत का आप देखोगे श, आ, फिल्म की एडिटिंग ऐसी तरह करके मैंने पूरे मेरे वर, स्टॉप वर्कर नहीं वर्कर तो मैं भी यहाँ का वर्कर ही हूँ मगर हम लोग एक साथ वर्क वर्कर फिर मुँह से निकल रहा है मेरी टीम वर्क कर मैं टीम के साथ मिलके काम करता हूँ मुझे टीम मुझे बहुत साथ देती है जैसे वह वर्क करते हैं वैसे मैं भी वर्क करता हूँ जैसे उन्हें पेमेंट मिलती है मुझे भी यहाँ से पेमेंट मिलती है वैसे सर आप भाषा की बात करें छत्तीसगढ़ी बोली की तो किस प्रकार से आप देखते हो आज 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने लेकिन भाषा कहाँ तक पहुँचे है मैं आपको मैं बता दूं मैं कई दिन बॉम्बे में रह चुका हूँ मेरे अच्छे संबंध थे संबंध मंजे मेरे एक अच्छे फिल्म इंडस्ट्री में मुझे जो अच्छा मानते थे वह श्रीदेवी धर्मेंद्र शाहरुख खान सलमान खान माधुरी दीक्षित मेरे अच्छे मंजे उनसे संबंध थे जो आज भी मेरे पास यादगार पड़े हैं जब बॉम्बे में जाता था कि हिंदी फिल्म बनाऊँ एक इनसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे सबसे मेरी अच्छे संबंध थे क्यों कि हम लोग हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे छत्तीसगढ़ में कोई भी हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज होती थी तो छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों राइट लेते थे और हम लोग उनका सीडी और वीडियो पूरे प्रसारण करते थे छत्तीसगढ़ में इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में, में मेरी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी मगर मेरे मित्र थे स्वर्गीय गुलशन कुमार जी संजोग से एक दिन ऐसा टाइम आया जो उड़ीसा में बड़गढ़ में एक शिव मंदिर उन्होंने बनाया था उनके उद्घाटन के लिए मुझे साथ ले गए थे मेरे प्रेरणा स्रोत है मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में आज भी चलता हूं अब टी सीरीज का यूट्यूब चैनल खोलिए आपको हर दो घंटे में आपको नया गाना मिलेगा मेरा भी यूट्यूब चैनल खोलिए आपको दो घंटे तीन घंटे में एक नया गाना रिलीज करता हूँ मुझे मालूम है कौन सा गीत किस दर्शक को पसंद आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम कौन सा गीत पब्लिक एक्सेप्ट करेगी यह मुझे तो क्या दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि यह गीत चलेगा या नहीं चलेगा वह उसी तरह से गुलशन कुमार जी भी आज भी उनकी टी सीरीज कंपनी हर दो घंटे तीन घंटे में एक गाना रिलीज करती है मेरे चैनल में भी वैसी उसी तरह हर दो घंटे तीन घंटे में एक गाना रिलीज होता है लगता है कोई कोई गीत 500 सौ लोगों ने देखा छः घंटे पहले और एक घंटा पहले डाल रहा हूँ तो चार हज़ार पाँच हज़ार आते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि लोगों को यह गीत पसंद आया वह नहीं आया मेरे मार्गदर्शक और मैं जिनके राहों पे चलता हूँ वो है हमारे स्वर्गीय गुलचंद कुमार जी टी सीरीज के सर वैसे जाते जाते जो उभरते कलाकार है प्रतिभावान युवा है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे मेरी शुरू बचपन से एक आदत थी नए कलाकारों को सामने लाना मुझे याद है अलका चंद्राकर आठ वर्ष की थी उनके पिता माधव चंद्राकर इस कार्यक्रम में मिला था मुझे उन्होंने एक ही शब्द बोला था सर आप मेरी बच्ची को आवाज़ सुनो और इसे आप मौका दो मैंने उसकी आठ बिलासा लोक कला मंच था एक कार्यक्रम में मिले थे जो आज अलका चंद्राकर आज पूरे छत्तीसगढ़ी देश में जानी मानी जाती है उसी तरह मोनासेन उसी तरह स्वर्णा दिया कर गरिमा दियाकर इनसे मैंने यहाँ की लोक संस्कृति के सतनाम भजन से लेके पूरे बारह मासी पर्व गीत गवाया हूँ मैंने इन कलाकारों को आज इन कलाकारों को छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश हमारा आज बहुत चाहता है यह मेरा माध्यम था मगर मुझे मालूम है इन पे सरस्वती माँ की कृपा रही जो आज पूरे प्रदेश में इनका नाम चल रहा है मैं माध्यम के रूप में इनको आगे बढ़ाया हूँ और आगे बढ़े हैं ऐसे कई कलाकार आज भी मेरा प्रयास छत्तीसगढ़ में रहता है कि नए कलाकारों को लाऊं, अभी मैंने हाल में आरती सिंह एक नई कलाकार थी आज छत्तीसगढ़ में उसे जानने पहचानने लगे जिन्होंने अभी हाल में उन्हें सीएम साहब ने भी सम्मान किया इसी तरह से एक गांव की लड़की महक रात्रे और अभी अभी हाल में मैंने जो फेमस किया हूँ इस एक माह के दौरान कुलेश्वरी सेन धमदा की रहने वाली और अभी चार पाँच दिनों में एक नई गायिका को लॉन्च कर रहा हूँ सुभद्रा ताम्र कुम्भ सुभद्रा कुंभकार अभी मैंने कली हाल में उनसे आठ भजन गवाया हूँ सतियों के ऊपर श्रमान कुमार के ऊपर राजा हरिश्चंद के ऊपर गवाया हूँ जिनकी शूटिंग चालू है जो नए नए कलाकार जो मुझे आज इतना मान सम्मान मिलता है मैं नए कलाकारों को ज़्यादा मौका देता हूँ तो इस वक्त है हम मोहन सुंदरानी जी को दिए गए सम्मानों की श्रृंखला में आइए उन्हीं के माध्यम से उनके सम्मानों के बारे में आप तक ये पहुंचाते है सम्मान तो मुझे इतने मिले हैं जो मेरे घर में मेरे ऑफिस में रखने की नहीं है ये मुझे सम्मान के लिए अगर कोई एक श्रीफल के लिए भी सम्मान करता है मुझे बड़ा गर्व होता है आपको बता दूं मैं आपको सम्मान अगर कहीं भी शाचकीय होगा चाहे राष्ट्रपति भी देगा नहीं लूँगा ये मेरी कसम खाई हुई है अगर किसी गांव वाले में मुझे बुला के एक श्रीफल से भी सम्मान करेंगे मैं जाऊंगा चाहे मेरा पाँच हजार खर्च हो जाए और एक श्रीफल से करे ये मेरा जीवन का लक्ष्य है कितना भी बड़ा शासकीय सम्मान होगा वह नहीं लूँगा यह मैंने कसम खाई हुई है आज ये जो भी है मुझे ग्रामीण अंचलों से सभी सम्मान प्राप्त हुए हैं चाहे वो सतनाम समाज के हो आज आप लोगों ने मेरा जो आज मेरी पूरा जीवन परिचय लिया जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बता दूं, पूरा छत्तीसगढ़ में सभी लोग जानते हैं कि मोहन सुंदरानी सिंधी समाज का है जरूर मैं सिंधी समाज का हूँ मगर आज भी बता दूं मेरी छत्तीसगढ़ में आस्था बचपने से ले के अभी तक परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी पे है मुझे कभी भी कुछ ऐसा लगता है मैं गिरोधपुरी जाता हूँ वहाँ से मुझे जो मन इच्छा मेरी पूरी होती है मेरी आस्था विश्वास परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा मुझे अगर मोहन सुंदरानी की जगह मोहन सतनामी भी बोलते हैं मुझे गर्व होता है दिल में खुशी होती है सतनामी कहलाने में भी मुझे अच्छा लगता है मन के मन के एक समान जय सतनाम जय छत्तीसगढ़ जय जोहार नमस्कार राम राम सीताराम द्वास किस खास एपिसोड में थे हमारे बीच छत्तीसगढ़ फिल्मों के भीष्म पितामह जाने माने निर्माता निर्देशक मोहन सुंदरानी जी अगले अंक में फिर नए शख्सियत से आप तक रूबरू कराएंगे तब तक के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ विशेष नमस्कार